हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि फ्रॉम द ब्लोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमएस द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो हमें कुछ अकाउंट का बैलेंस गिवन है जिसको हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाना है। मतलब ट्रायल बैलेंस में प्रॉपर डेबिट साइड आएगा वो बैलेंस की क्रेडिट साइड आएगा, ये आपको बताना है। चलिए एक बार रूल समझ लेते हैं। रूल समझ गए तो आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस के कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 1 है, जितने भी एसेट्स होंगे वो सबको आप किस साइड मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड मेंशन करेंगे। एसेट कुछ मैंने बता रखे हैं, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, ये सारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो इन सबको आप किस साइड मेंशन करेंगे? डेबिट साइड मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस के। रूल नंबर 2 है, जितनी भी लायबिलिटी होंगी उन्हें आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल एंड क्रेडिटर। रूल नंबर 3 है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ड्राइंग अकाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट जो रूल नंबर 5 है वो है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट साइड शो होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड शो होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड शो होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट साइड शो होगा। रूल नंबर 6 और 7 है कि जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुए हैं या लॉस हुए हैं उन सबको आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाएंगे, और बिजनेस के लिए जितनी भी इनकम और प्रॉफिट है उन सबको आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। चलिए अब करते हैं अपने सॉल्यूशन की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप मैंने राइट हैंड पे नोट कर रखा है और लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक अकाउंट को लेते जाइए, देखिए कि उसका क्या नेचर है, क्या वो एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है वो, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके अमाउंट को डेबिट साइड या क्रेडिट साइड फिल कर दीजिए। जैसे कि कैश इन हैंड 4500 है, तो कैश इन हैंड एक तरह का एसेट होता है जिसको आप डेबिट साइड फिल करेंगे 4500 रुपीज के अमाउंट को। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरह की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड आप शो करेंगे 8000 रुपीज। इससे नेक्स्ट कह रहा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक तरह का एसेट है जिसको आप डेबिट साइड शो करेंगे 20000। नेक्स्ट है परचेज, परचेज हमेशा किस साइड शो होती है? डेबिट साइड 80000 रुपीज। परचेज रिटर्न को हमेशा आप क्रेडिट साइड शो करेंगे 2000 रुपीज। सेल्स जो है, सेल्स कितने देर के हमें 1,70,000, सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो 1,30,000 को भी आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हमेशा आप डेबिट साइड शो करेंगे 5000 रुपीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड शो होगा, अमाउंट कितना दे रखा है? 1800 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ, बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है जो कि एक बिजनेस के लिए खर्चा ही है, जिसको आप शो करेंगे 600 रुपीज को डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव, बिजनेस के लिए एक तरह की इनकम मानी जाती है, इसको आप क्रेडिट साइड शो करेंगे 1500 रुपीज। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी एक तरह का एसेट है, एसेट है तो आप उसको डेबिट साइड शो करना है 24000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग भी एक तरह की एसेट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी आप किस साइड शो करेंगे? डेबिट साइड शो करेंगे 50000 रुपीज। नेक्स्ट है डेटर, डेटर एक तरह का एसेट ही होता है, एसेट को भी आप डेबिट साइड शो करेंगे 18400। इससे नेक्स्ट है क्रेडिटर, क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को आप क्रेडिट साइड शो करेंगे 8500। बिल रिसीवेबल एक तरह का एसेट है, एसेट को आप डेबिट साइड शो करेंगे 2850 रुपीज। बिल पेएबल एक तरह का क्रेडिट है, क्रेडिट को आप क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को आप क्रेडिट साइड शो करेंगे, जिसमें अमाउंट आपको दे रखा है 1650 रुपीज। कैपिटल, कैपिटल को हमेशा आप किस साइड शो करते हैं? क्रेडिट साइड शो करेंगे 60000 रुपीज। ड्राइंग को हमेशा आप डेबिट साइड शो करेंगे जो कि है 6000 रुपीज। नेक्स्ट है रेंट, रेंट एक तरह का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस एक तरह एक्सपेंस को हमेशा आप किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में 3700 रुपीज। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी बिजनेस के लिए तरह का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को आप कितने साइड लिखेंगे? 3600 रुपीज डेबिट साइड। इसे नेक्स्ट लोन क्रेडिट लिख रखा है तो लोन के क्रेडिट लिख के आप लिख दीजिए, क्रेडिट लिखा हो तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए 10000 रुपीज। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरह के बिजनेस के लिए खर्चा है तो 1200 रुपीज को डेबिट साइड लिख दीजिए। अब आपने सब सारे अकाउंट को नोट कर लिया, अब आपको क्या करनी है? अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 2,21,650, क्रेडिट साइड आएगा 2,21,650। तो हमारी दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है, तो हमने ये ट्रायल बैलेंस बना दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।